10 दिन हो गए हैं और पटना के कुछ हिस्सों में, आसपास के इलाकों में अभी भी घरों में पानी है, 3 से 4 फुट पानी है। ये निश्चित रूप से विफलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा है, इसमें तो ध्यान देने, रिविजिट करने की जरूरत है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आज से 3 महीने पहले भी हमने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लॉन्च किया, उसकी अप्रूवल हो गई, उद्घाटन हो गया, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव कैसे हुई? मेट्रो के फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, वाटर लेवल, एक एक चीज चेक किया जाता है, तब तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन है। इस एक पानी ने निश्चित तौर पे बहुत लोगों की आंखें खोल दी हैं और सब चीज़ पर रिविजिट होगा ताकि भविष्य में ये ना हो। और मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों के मामले में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, वो अब खुद देखेंगे, किसी और के भरोसे अब नहीं रहेंगे। लेकिन बात पेरिस बनाने की हुई थी तो पूरा, अरे पेरिस छोड़िए, ढंग का पटना हो जाए यही बहुत है। पेरिस बहुत दूर की बात है, ढंग का पटना हो जाए वही काफ़ी रहेगा।